एग्जाम देने को घर से निकले जो छात्र हैं वो सुबह से यहाँ पे घंटों वेट कर रहे हैं, घंटों इस भरी गर्मी में वेट करते करते सभी लोग यहाँ पे काफी परेशान हो रहे हैं। मैं ऐसे में जो यहाँ की सब इंस्पेक्टर है वो इन लोगों को यहाँ पे समझाइश करने आती है कि आप सभी लोग स्टूडेंट है, आप सब लोगों को एक छात्र की तरह यहाँ पे बिहेव करना चाहिए, उसी तरह रहना चाहिए, आप लोगों को आपका एग्जाम है उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन ऐसे में क्या वो छात्र फोकस कर पाएंगे, क्या वो लोग फोकस कर पाएंगे जो घंटों यहाँ पे उनके यहाँ पे घंटों जो उनके वेस्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में सरकार के ऊपर एक बड़ा जो है प्रश्न बनता है कि आखिर बसों की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, क्योंकि ये पहले से कह दिया गया था कि उन्हें पता था, क्या उन्हें पहले से ये बात पता नहीं थी कि क्या आज एग्जाम है, तो बसों की व्यवस्था क्यों नहीं हुई है। ऐसे में जो छात्र है उनसे भी हम जान लेते हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं इस बात पे। भैया अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उसको लेके आप कितने घंटे वेट कर रहे हैं? 2-3 घंटे से पहले कोई परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है और भीड़ भाड़ को देखते हुए धक्का मुक्की का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा आप लोगों को कहाँ जाना है एग्जाम देने? बूंदी। कब से वेट कर रहे हैं? 2 घंटे से। 2 घंटे से बसों की व्यवस्था नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर व्यवस्था। दो घंटे से पूछ रहा हूँ, सबको अलग अलग जवाब दे रहे, अलग अलग ऐसे बस बता रहे, हर कोई ऐसे बोला ये जा रही है। आप भी एग्जाम देने जा रहे? Yes, मैं एग्जाम कहाँ पे जा रहे हो? मैम टोंग जा रहा हूँ। मैं टोंग जा रहे हो? बिल्कुल। अच्छा तो यहाँ पे बसों की व्यवस्था है या नहीं है? नहीं है मैम, पिछले 2 घंटे से तो मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। हाँ। और एक बस 3 घंटे से खड़ी है और बसें जा तो रही है पर उनका कोई फिक्स नहीं कि भाई 1 घंटे में जाएगी या 2 घंटे में जाएगी। अच्छा यहाँ की जो सब इंस्पेक्टर है वो अभी आपसे यहाँ पे समझाइश करने आई थी, क्या कह रही थी वो? वो तो यही भाई, कॉम्प्रोमाइज करो, शांति बनाए रखो और बसें आएगी, व्यवस्था कर रहे हैं। अब कितने पैसे कितना रखे? जब सरकार ने ये चीज कह दी थी कि यहाँ पे बसें यहाँ पे सभी के लिए फ्री कर दी जाएंगी, तो कॉम्प्रोमाइज किस बात का? वही तो मैम, वही तो बोल रहा हूँ भाई, 2 घंटे से मैं खड़ा हूँ और ये सब भाई लोग भी 2-2-3-3 घंटे से खड़े हैं, कोई 4-1 बजे से खड़े हैं भाई साहब, व्यवस्था नहीं हो रही है। अब देखिए कोई यहाँ पे 2 घंटे से खड़ा है, कोई खड़ा है, कोई सुबह 11 बजे से खड़ा है और कई घंटों वेट कर रहा है, उसके बाद इतना कॉम्प्रोमाइज हो गया और कितना कॉम्प्रोमाइज यहाँ छात्र करेंगे जब उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है, तो आखिर वो लोग एग्जाम पे फोकस कैसे कर पाएंगे? क्या कहना है इस पे आपका? 11 बजे होगा हमारे सुबह का, 11 बजे तो बसों की व्यवस्था ही नहीं है। बस 1 बजे से ही मैडम, दूर से एंटर नहीं देना चाहिए ना, पैसे की व्यवस्था ही नहीं है तो फिर पैसे नहीं है हमारे पास, कैसे जाए हम? 14 किलोमीटर 45 किलोमीटर से आए हैं जब आराम करते हैं। लाल सरकार मुर्दाबाद। सरकार ने जो ये चीज कही थी कि यहाँ पे जो है बसें फ्री कर दी जाएंगी, लेकिन फिर भी बसें फ्री तो हो गई हैं, लेकिन वो व्यवस्था नहीं हो पाई। पहले तो मैम मैं बोलूँ, देश में शराब पी रही है। मैं भजनलाल जी शर्मा से ये अनुरोध करूंगा कि ये सरकार जो फ्री कर रखी है बसें, वो सिर्फ कागजों में है, सिर्फ मात्र 10% बसें ही लगाई गई हैं यहाँ पे और कोई बस फ्री हो नहीं है। देश में अगर शराब फ्री है तो शराब ही नहीं है, तो शराब फ्री का मतलब क्या हुआ? नहीं है ना फ्री, वही बात है। 3 घंटे सही नहीं तो फ्री का मतलब क्या? एग्जाम देंगे हम लोग? आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप शराब पे फोकस क्यों कर रहे हैं? मैं तो एग्जांपल उदाहरण है, मैं पीता नहीं हूँ, बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है एक बड़ा एग्जांपल इनके द्वारा दिया गया है कि शराब ही नहीं है तो शराब फ्री क्यों है, तो बड़ा बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया है। लेकिन देखिए अब बेरोजगारी को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? अरे भजनलाल सरकार को बोलिए क्या कहना चाहेंगे? अरे शादी नहीं हो रही है, शादी द्वारा मेरी एक गवर्नमेंट नौकरी के चक्कर से 2 बार रह गई। हाँ। मेरे को 2 बार देख गए वो, ऐसे बोले लड़का क्या करता है, लड़का तैयारी पटवारी की तैयारी करता है, पटवारी बनेगा तब करेंगे शादी, ऐसे बोलते हैं मैडम, तो पटवारी कैसे बने? धन्यवाद। और मैडम इनको देखो, इनका सिस्टम क्या है ना सीईटी का, अभी देखो 13 लाख एग्जाम देंगे, कल परसों पटवारी का एग्जाम होगा, उसी में भी 13 लाख 35% 40% कर रखे, तो अगर बंदा पढ़े भी ना पेपर को, ऐसे गो लेकर के आता ना, वैसे भी 35-40% आ जाते, इनको पेपर देना चाहिए, पेपर बिल्कुल रद्दी लेवल का है। पी की सरकार बननी चाहिए, हनुमान बेनीवाल की सरकार बननी चाहिए, हमारी व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। आलोक राज जैसे बोल रहे हैं कि 99% का होम डिस्ट्रिक्ट दिया है, मेरे गांव में से और उसमें से सबका 90% का उनका तो कोटा है, तो मतलब चलिए अब इनसे भी बात करें, ये लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की व्यवस्था बिल्कुल बदतर व्यवस्था है, गवर्नमेंट फ्री स्कीम निकाल रखी है लेकिन कोई फ्री स्कीम नहीं है, सारी व्यवस्था फेल है, कोई भी व्यवस्था सही तरीके से नहीं है, मात्र 1% बसें इन्होंने लगाई है, कोई बसों की सुविधा नहीं है, 2 घंटे से बसें भरी पड़ी है लेकिन बसों को स्टार्ट नहीं किया जा रहा है।
सारी व्यवस्था अव्यवस्था फैला रखी है सरकार ने। देखिए उपचुनाव उपचुनाव आने वाले हैं, ऐसे में नई भर्ती को लेके क्या कहेंगे आप सब लोग? कुछ नहीं है मैम, कुछ नहीं है। सरकार हटाओ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। राहुल गांधी 100% बात है। पहले की सरकार में, पहले जो सरकार थी उसमें कितने आपको मिल गए? किसान परिवार से आता हूँ और शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में कांग्रेस सरकार हमेशा आगे रही है, 100% रही है। बीजेपी बनवाए थे लेकिन उससे पहले क्या जो कांग्रेस सरकार थी उसमें कितनी भर्ती आ जाती? खूब भर्ती आती है। इस भर्तियां तो अभी भी आएंगी, आने का वादा ये कर रहे हैं, लेकिन भर्तियां दे के करेंगे क्या? जब सीटी की जो मेन मुख्य परीक्षा बच्चे देने जा रहे हैं वहीं व्यवस्था नहीं है। बच्चों की कल सुबह 7 बजे वाली शिफ्ट में परीक्षा है, यहाँ बस होगा कोई पता पता ही नहीं है। तो बच्चा किस तरीके से पहुंचेगा वहाँ? 8 बजे वहाँ उसको पहुंचना है। सेंटर भी होम डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्टों में डाला है तो और पहुंचने की कोई व्यवस्था है नहीं। 3 घंटे यहाँ खड़े हो गए और वहाँ जाके फिर वहाँ देना है बायोमेट्रिक, देना है एडमिट का जो पहचान है वो देनी है। तो देखिए यहाँ पे जो है छात्रों का यहाँ पे गुस्सा फूट के आ रहा है बजलाल सरकार के प्रति, और जो है यहाँ पे व्यवस्था भी नहीं है। दो खटक की टीम ने खुद आके यहाँ देखा कि बिल्कुल व्यवस्था यहाँ पे बसों की नहीं है। ऐसे में जो यहाँ पे जो है सिंधी कैंप के जो प्रशासन वाले हैं या फिर जो भी व्यवस्था को देख रहे हैं उनकी गलती नहीं है, सरकार की यहाँ गलती मानी जा रही है, क्योंकि उन्होंने पहले ही वादा कर दिया था सभी से कि आपको बस की व्यवस्था फ्री कर दी जाएगी, लेकिन बसों की जो व्यवस्था है उसमें को इस तरीके के कोई दिखाई नहीं दिया क्योंकि बसें ही कम है। तो ऐसे में बड़ा जो सवाल है वो है यहाँ पे बजलाल सरकार पे भी उठ रहा है, साथ ही हमारे प्रेमचंद बेरवा जी पे भी ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने जो ये व्यवस्था क्यों नहीं की है। धन्यवाद।